दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर लंबे समय से गहमा गहमी का माहौल था। जिला पंचायत के 14 सदस्यों में से 9 सदस्यों ने अध्यक्ष से असंतुष्ट होकर कमिश्नर के सामने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिस पर मंगलवार को चर्चा और वोटिंग होनी थी। लेकिन कोरम के 9 सदस्यों में से महज 8 सदस्य चर्चा में पहुंचे, इस वजह से यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया और शिवचरण पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो प्रक्रिया हुई थी उसमें निर्धारित जो सदस्य संख्या थी वो प्राप्त नहीं हुई। उसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक तो निर्वाचित जो टोटल सदस्य होते हैं जो कि 12 हैं उनका 2/3 और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 3/4 चाहिए होता है। तो 8 सदस्यों ने जो वोट किया वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, तो उनकी तो ज़रूर 3/4 हुई, लेकिन जो निर्वाचित सदस्य का 2/3 था तो 8 चाहिए था, उससे अधिक 9 वो इनके पास सदस्य संख्या नहीं थी, इसलिए अविश्वास का दोनों कंडीशन नहीं पूरी हुई, इसलिए अविश्वास का प्रस्ताव गिर गया। वहीं इस मामले पर शिवचरण पटेल ने अपने ही पूर्व मंत्री जयंत मलैया और लखन पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन लोगों ने ही मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। ना अविश्वास हुआ है ना होगा, क्योंकि मुझे शिव के यहाँ से वरदान था और मैं 5 साल ही रहूंगा। जो माननीय सांसद जी ने किया वो उनका पार्टी के ऊपर वो विश्वास और श्रद्धा है, और जो रामबाई ने किया तो वो मेरी जिला पंचायत की उपाध्यक्ष थी और मेरे बिटिया के जो संबंध है वो उसको मैं बेटी मानती हूँ और वो मुझे पिता मानता है। जबकि विपक्ष का कहना है कि धन बल बाहुबल की वजह से 9वीं सदस्य चंद्रवती नहीं पहुंच पाई और अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। हम समस्त सदस्यगण आज अध्यक्ष के खिलाफ श्री शिवचरण पटेल जी के खिलाफ अविश्वास में यहाँ उपस्थित हुए थे। हम सभी ने एकत्रित होकर के 9 सदस्यों ने माननीय कमिश्नर महोदय को सागर में अविश्वास के लिए आवेदन दिया था। उसकी नियत तारीख 12 तारीख आज के दिन फिक्स की गई थी। हम लोग समस्त 9 लोग एकत्रित हुए, उनमें से एक सदस्य का जबरदस्ती धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके एक सदस्य का झूठा हम लोगों के ऊपर एक अपहरण का मामला दर्ज कराया गया। लेकिन जिस सदस्य का हम लोगों के बीच में जो सदस्य थी उन्होंने एसपी ऑफिस में, एसडीएम साहब के ऑफिस में और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहाँ लिखित आवेदन दिया, मौखिक मीडिया के सामने भी ये बात कही कि मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है, और वो सबके सामने उपस्थित हो गई। उसके बाद वो अपने घर चली गई, पुलिस सुरक्षा में है। लेकिन धनबल और बाहुबल के आगे आज लोकतंत्र की ये हत्या हो रही है। यदि इसी प्रकार का धनबल और बाहुबल का उपयोग होता रहा तो हमारे संविधान जो हमारे विधिवेताओं ने जो बनाया है उसकी ये हत्या करने का प्रयास है।